नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं काविंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का, तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाधित मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द बहाल करने और आपदा पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित सभी क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा और दवाइयां पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। काफी नुकसान हुआ है, उसमें चमोली जनपद में भी काफ़ी नुकसान हुआ। 125 सड़कें बंद की, 8 पुल जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 125 में से 92 खुल गई हैं, 33 अभी बंद हैं, उनको भी जल्दी खोलने की प्रक्रिया हो रही है। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 83 बंद थी, उसमें से 40 खोल दी हैं, अभी 43 बंद हैं। विद्युत विभाग के भी 450 पुल क्षतिग्रस्त हुए, 10 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए और सिंचाई विभाग पेयजल योजना भी 54 क्षतिग्रस्त थी, जिसमें से 46 अभी इन्होंने ठीक कर दी हैं और जो बची हुई हैं उसको भी ठीक कर रहे हैं। हम लोगों का चूँकि आपदा में सभी जगह सड़कें जो बंद हैं, पुल बह गए हैं, पशु हानि हुई है, कहीं पर जन हानि हुई है, सभी में हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम पुनः जो है अपने सामान्य जीवन में आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार यहाँ के लिए फोकस है, वो भी हमारा मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं। माननीय गृहमंत्री जी स्वयं रात को चलकर 1:30 बजे यहाँ पहुँचे थे और पूरे उत्तराखंड का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था 2 घंटे का। उसके बाद यहाँ पर आपदा से संबंधित जो बैठक है वो बैठक करी थी और बैठक करने के बाद भारत सरकार की टीम भी आज आ गई, वो पूरी क्षति का आकलन कर रही है। वहीं पौड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपदा में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पौड़ी विधायक मुकेश कौली भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में डीएम रंजना राजगुरु को सीएम को संबोधित ज्ञापन देकर कहा कि पिछले दिनों जिले में भारी दैवीय आपदा और जल प्रलय से भारी क्षति हुई। कई बस्तियों, कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, काफी जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों के पास पहनने के कपड़े और खाने को भोजन नहीं है। उन गरीब बेसहारा लोगों को तत्काल 10,000 रुपये प्रति परिवार आर्थिक सहायता और नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिया जाए। जिनकी जान गई है उनके आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो उधम सिंह नगर पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जहां पर उन्होंने डीएम से बातचीत की और कहा है कि बेसहारा लोगों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकर जो मंडी में पहुंच रहा है तो उसमें मॉइस्चर और डैमेज दोनों के मापदंडों की बढ़ती है। आज की परिस्थिति के अनुसार सरकार इसमें लिबरल एक्टिव कर रहा है और जो कनक टूटा हुआ धान है उसको खरीदे और उसके लिए किसी तरीके की मनाही नहीं करना चाहिए। हमारी जो राइस मिलर हैं इनको भी राइस राहत देने की जरूरत है ताकि वो धान की खरीद में योगदान दे सके। और दूसरी तरफ जो है इस बाजार में धान के अंदर सामान का भी डैमेज हो गया है, एक तो इंश्योरेंस वाले से जो सरकार आ सकते भुगतान नहीं हुआ है और दूसरा जो है राज्य सरकार अपनी फौरी मदद को ना अपनी डैमेज का असेसमेंट करके जो असेसमेंट जाए उसके अनुसार मदद करें और फौरी मदद गरीब इमीडिएट स्टार्ट करें। वहीं काशीपुर में कांग्रेस के एक नेता का ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस जिम्मेदार पद पर बैठे नेता का यह ऑडियो वायरल हुआ है उसके कंधों पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जिम्मा है। साथ ही जीत के लिए जिसको प्रयास करने चाहिए वो ही जब सीट हराने की बात कहे तो इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात और क्या होगी। आप भी सुनिए ये वायरल ऑडियो।
देखिए, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, ना तो मैं पार्टी से ऊपर हूँ, ना कोई हो सकता है। और किसी का इरादा ही बन गया है पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, वो हाईकमान तय करती है, हाईकमान टिकट देगी, वो उम्मीदवार होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लालकुआं विधानसभा के आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष पहले लालकुआं के दवाई फार्म स्थित पश्चिमी घोड़ा नाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा पीड़ित किसानों को मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित किसानों से कहा कि सरकार प्रभावित किसानों और परिवारों की हर संभव मदद करेगी। इसके बाद उन्होंने अन्य क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया और उन्हें जल्द से जल्द मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया है। मैं लालकुआ विधानसभा में विधायक जी के, जिलाध्यक्ष जी के और अपने प्रमुख सब नेताओं के साथ मैंने सब क्षेत्र का मैं भ्रमण किया है। बड़ी मात्रा में यहाँ फसल का नुकसान है। ये सही है कि वन भूमि होने के कारण जो मुआवजे वाली स्थिति थी, उस पर मैंने विधायक जी चर्चा की है। किसी को भी कोई रास्ता निकाल के इसका हम लोग समाधान निकालेंगे कि सबको उनकी फसल के हुए नुकसान का मुआवजा मिल जाए। मकान क्षतिग्रस्त हुए उनके बारे में भी मैंने कहा, वो रास्ता भी हम लोग कुछ से बातचीत करके समाधान कराएंगे। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभाओं में जाने की तैयारी में है। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी पक्ष और विपक्ष की रणनीति और कूटनीति को लेकर जनता के सामने जाएगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष को इस बार उम्मीद है कि वो उत्तराखंड की जनता के दिल में अपनी जगह बना सकेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में अपने कुनबे को भी बढ़ाने का काम कर रही है। सत्यनारायण सचान ने कहा कि उत्तराखंड में पलायन आयोग बनाया है, लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी अपनी जगह तलाशने की कोशिशों में जुट गई है, तो पलायन को समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनाया है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की जुगत में जुट गई है। देखिए, अभी वो हम प्रेस क्लब में यही देहरादून में कर रहे हैं, उसमें हमारे माननीय राजेंद्र चौधरी जी, जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता है और यहाँ के प्रभारी भी हैं, वो शिरकत करेंगे। और उसके बाद जो हमारा उस दिन दिशा निर्देश होगा, हर विधानसभा से जो भी हमारा प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशी घोषणा बाद में हो पाएगी, लेकिन जो भी दावेदार है, वो दावेदार 2000 मोबाइल नंबर अपने विधानसभा के इस केंद्रीय हमारे कंट्रोल रूम को, जो हमारा वार रूम होगा, उसको उपलब्ध कराएगा। उसके बाद हमारे डायरेक्ट मैसेज, हमारी दिशा निर्देश उस रूट लेवल पर गांव के पहुंचती रहेगी, ये हमारी कार्य योजना है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक और आयाम जुड़ गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूर दराज गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में आम मरीजों तक मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू कर दी है। गरीबों और आम मरीजों को अब एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिल सकेगा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पुष्पा पासवान और CMO डॉक्टर SP कुडियाल ने एयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। तो मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने की अब कवायद में जुट गई है उत्तराखंड सरकार। ऐसे में आपको बता दें कि चमोली में एयर एम्बुलेंस की सुविधा, एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू कर दी गई है। मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये एयर एम्बुलेंस की सेवा जो है वो शुरू की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस तरीके से एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है, जिसके जरिए अब स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम रूप से बनाया जा सके और सुगम रूप से मेडिकल सुविधाएँ पहुँचाई जा सकें, जिसके लिए अब एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है। रुड़की के पिरान कलियर पुलिस और खुफिया विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
खुफिया विभाग और पुलिस ने मिलकर एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए विदेशी नागरिक से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिक बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के अवैध तरीके से भारत में निवास कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो रुड़की में खुफिया विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर खुफिया विभाग ने एक विदेशी नागरिक को पकड़ा है जो कि फर्जी दस्तावेज बनाकर काफी समय से भारत में रह रहा था। तो खुफिया विभाग और पुलिस ने मिलकर एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए विदेशी नागरिक से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। यह सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताया जा रहा है। विदेशी नागरिक बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के अवैध तरीके से भारत में निवास कर रहा था, जिसको आज पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। 11 तारीख में आया बंगाल से। कैसे आए थे यहाँ से? यहाँ से आया वो ब्लैक में आया। ब्लैक में आया। कोई परिवार का आदमी है तुम्हारे यहाँ? नहीं। आधार कार्ड कहाँ से लिया था आपने? आधार कार्ड इधर बनाया था मैंने। किसी को पैसा दिया था आधार कार्ड बनवाने के लिए? हाँ। कितना पैसा लिया था उन्होंने? 700। क्या करते, कितने समय से रह रहे हो यहाँ? इधर पिछले एक साल पहले आया था, अभी आया। क्या फायदा था तुम्हारे यहाँ करने का? ये इधर हम काम करने आए। कहेगा वो जो कंबल है ना, वो कंबल जो लाता है, ये जो ठंडी आया ना, इसलिए आया, कंबल बेचता हूँ हम। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में आपदा की स्थिति को जानने के लिए विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में आपदा के हालातों को जाना, जिसमें सीएम को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई बरसात के कारण जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें लैंसडॉन क्षेत्र में हुई हैं, जबकि इस आपदा में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तो पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में अधिकारियों के साथ उन्होंने जो बैठक की, बैठक में बताया गया कि बरसात के कारण जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। ये तीनों मौतें लैंसडॉन क्षेत्र में हुई हैं, जबकि साथ ही बताया गया कि आपदा में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको इलाज के बाद अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सामान्य हों, सारी रोडें जो बंद हैं वो जल्दी खुल जाए, किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, बिजली की व्यवस्था ठीक से चले, पानी की व्यवस्था ठीक से चले, खाद्यान्न ठीक से पहुंचे, मेडिकल की सुविधा ठीक से हो, तो उसको लेकर ये बैठकें कर रहे हैं। और ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमको लगातार मनोबल बढ़ाने का उनका काम लगातार वहाँ से उन्होंने किया है। इस आपदा के समय में उन्होंने 3 हेलीकॉप्टर भी हमारे लिए यहाँ भेजे, जो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी बीच में अपना दौरा स्थगित करके रात को 1:30 बजे यहाँ पहुँचे। पूरे उत्तराखंड का उन्होंने सर्वेक्षण किया, साथ में यहाँ बैठक करी है। भारत सरकार की भी जल्दी से यहाँ टीम आई और आज से उस टीम ने भी सर्वे किया है। जो भी आकलन है उसका हम लोग आकलन करवा के भारत सरकार को भेजेंगे। हमारा प्रयास है कि जो हमारी क्षति हुई है जल्दी से जल्दी उसकी भरपाई हो, हम उस दिशा में आगे बढ़ें। अभी अभी कोरोना महामारी से हम लोग वो मुश्किल जो है उभरे ही थे, कि अब रिकॉर्ड तोड़ जो बारिश हुई, उस रिकॉर्ड तो बारिश ने सारे रिकॉर्ड तो तोड़े ही तोड़े, इसके साथ साथ सारे नुकसान के भी रिकॉर्ड इस बरसात ने तोड़े। तो उसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है जनता की सरकार के रूप में काम करेगी, जनता के काम करेगी, सहयोगी के रूप में काम करेगी। वही दर्शकों, देहरादून में हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही जुबानी जंग अब खत्म हो चुकी है। हरक सिंह ने कहा कि हरीश रावत के खिलाफ अब कुछ नहीं बोलूंगा, हरीश रावत के चरणों में नतमस्तक हूं, हरीश रावत का हर शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है, हरीश रावत बड़े भाई हैं इसलिए माफी मांग रहा हूं। तो जुबानी जंग के बीच अब लगाम लगा दी गई है। हरीश रावत के खिलाफ हरक सिंह रावत के जो तेवर हैं वो नरम पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत मेरे लिए बड़े भाई समान हैं, उनके चरणों में मैं नतमस्तक हूं और अब मैं हरीश रावत के लिए एक भी शब्द नहीं बोलूंगा और उनका हर शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है, हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को पार्टी ने पंजाब प्रभारी के पद से हटा दिया है। उनकी जगह हरीश चौधरी को कांग्रेस ने पंजाब और चंडीगढ़ का नया प्रभारी बनाया है। हरीश रावत कई दिनों से पंजाब के प्रभाव से मुक्ति चाह रहे थे। उनका तर्क था कि उत्तराखंड में चुनाव है, उनका फोकस उत्तराखंड पर होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्त होने के बाद हरीश रावत ने लिखा कि पंजाब के दोस्तों और कांग्रेस जन, मैं आपके प्यार और समर्थन को नहीं भूल सकता, मैं आपसे अलग नहीं हूं। तो चुनावी समय को देखते हुए अब हरीश रावत को पंजाब के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। हरीश रावत को, जो कि पहले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी थे, उनको अब पद से हटा दिया गया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उनको पद से हटाने के पीछे का कारण जो है वो दरअसल ये है कि उत्तराखंड में चुनाव होने को हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी चुनाव पर नज़र बनाए रखनी थी, यहाँ पर भी दायित्व थे। इनको देखते हुए हरीश रावत को पंजाब के दायित्वों से मुक्ति दे दी गई है और अब उनका पूरा फोकस उत्तराखंड पर नजर आएगा। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीते कई दिनों से आई दैवीय आपदा के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे। हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तल्लीताल हरिनगर आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस बीच उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। तो नैनीताल में आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे हरीश रावत और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने, साथ ही इन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, बातचीत की और समस्याओं के समाधान पर भी हल निकालने की बात की गई है। बहुत बुरा हाल है लोगों के घरों में, जितना राशन पानी जो कुछ था, कपड़े लत्ते सब बर्बाद हो चुका है। हम आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और हम अभी जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। बतेरी जगह पे लोगों ने कहा कि साहब ये 2 महीने का समय कैसे कटेगा, इस सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं और जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, ऐसे लोगों को अगर सरकार तात्कालिक राहत न दे सके तो इस सरकार का काम क्या है। आपदा के समय 2013 में जब आपदा आई थी उस समय भी कुछ गलतियाँ हुई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय के हमारे कांग्रेस के जो शीर्षस्थ नेता थे, मुख्यमंत्री थे, हमारे हाईकमान ने उनको बदलने का काम किया, इतना हार्ड निर्णय लिया। समय सरकार को इस इलाके को आपदाग्रस्त घोषित करना चाहिए और उसके अनुसार जो है राहत के भी और बचाव कामों की तो समय निकल गया, लेकिन भविष्य से बचाव के लिए कुछ और जो व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है वो घर ऐसी जगह पर बने हैं कि ऊपर से कभी भी नाला आकर के उसको तोड़ करके लोग जान खतरे में डाल दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक किया जा सके, लेकिन अब इस समय युद्ध स्तर पर राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे। एक बयान दिया है, कहा है कि हम 5 दिन का समय देते हैं राज्य सरकार को, यदि नहीं करेंगे तो पहले हम उपवास करेंगे और फिर सीधे जो है प्रदर्शन और दूसरी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बचाव कार्य में सरकार का ध्यान हटे। इसलिए हमने आप 5 दिन आप आपदा के मान लीजिए और 5 दिन और दे रहे हैं, यदि 10 दिन में भी कोई सरकार जो है राहत का काम नहीं कर सकती है। हरिद्वार के श्री राधा कृष्ण धाम में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तराखंड के 4 धाम के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को कड़े शब्दों में विरोध करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया तो तीर्थ पुरोहित खुद अपने यजमानों सहित चुनावों में बीजेपी का विरोध करेंगे। तो तीर्थ पुरोहित महासभा की बैठक आयोजित हुई जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड का खुलकर विरोध किया है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो इस बार चुनावों में पुरोहित सीधे तौर पर बीजेपी का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तीर्थ पुरोहित महासभा की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक पे सीधे तौर पर तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को लगातार कई महीनों से लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में तीर्थ पुरोहित बीजेपी का
खुलकर विरोध करेंगे। तो ये सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है तीर्थ पुरोहितों की तरफ से, सरकार को ये चेतावनी दी गई है। सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में तीर्थ पुरोहित बीजेपी का खुलकर विरोध करेंगे चुनावों में। तो हरिद्वार में ये कार्यक्रम हुआ था जहाँ पर तीर्थ पुरोहितों ने जनसभा की और महासभा की है, और महासभा में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का समय है, अगर भंग नहीं किया गया तो वो आगे चलकर चुनावों में बीजेपी का विरोध करेंगे। तो ये श्री राधाकृष्ण धाम में ये जो महासभा है उसको आयोजित किया गया था। उत्तराखंड के चार धाम के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए देवस्थानम बोर्ड का कड़े शब्दों में यहाँ पर विरोध किया गया, और तीर्थ पुरोहितों ने साफ किया है कि अगर सरकार ने जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया तो तीर्थ पुरोहित यजमानों सहित चुनावों में बीजेपी का विरोध करेंगे। हमने उनसे कह दिया कि अब जो भयंकर आंदोलन होगा इसमें आमरण अनशन भी है, इसमें आत्मदाह भी है, और इसमें मतलब उन लोगों का पीछा करना भी है, क्षेत्र में किस तरह से उनके जनप्रतिनिधि हैं उनका पीछा करना, उनको मतलब कीचड़ से स्नान कराना, वो करना, सब उनके मुंह में कालिक पोतना, सारे कार्यक्रम हमने तय किए हैं। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बोलने की भी नहीं है, वो सब बातें होगी हैं। लेकिन हम श्रीमान अली अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फ़ोन पे मेरे से जो वार्ता की है, उन्होंने कहा है कि अनिल बलूनी जी ने कहा है कि कोटियाल जी आप सब्र कीजिए और हमने मन बनाया है कि हम इसको वापस लेंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले पहले हाँ काम हो जाए। जी जी, ये कहा है। अब हम तो इन पे विश्वास करते 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 यहाँ तक आ गए, लेकिन जब सर से ऊपर पानी बहने लगता है तो वो आप सोच लीजिए किस तरह से होता है। हरिद्वार में राष्ट्रीय सेवा योजना आर्य कन्या इंटर कॉलेज बहादुराबाद की तरफ से नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा सफाई अभियान और संरक्षण के लिए जन जागरूकता शिविर यात्रा निकाली गई, जिसमें आर्य कन्या इंटर कॉलेज बहादुराबाद की छात्राओं ने भाग लिया और गंगा सफाई अभियान रैली को निकालते हुए बहादुराबाद पीठ बाजार से होते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक पर रुककर देशवासियों को स्वच्छ भारत अभियान अपनाओ, भारत को स्वच्छ सुंदर बनाओ का लेकर संदेश भी दिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।